जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी गार्डनिंग अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज पौधलगा के बहुत सारे फ्लावर्स खिले हैं और मौसम भी अब मानसून आ चुका है तो काफ़ी अच्छा हो रखा है, क्योंकि बादल रहते हैं दिन भर तो पौधों को भी रिलैक्स रहता है, गर्मी से ठंडक का एहसास पौधों को हो रहा है और काफ़ी खिलखिला रहे हैं पौधे। जिन जिन को भी आप फुल सनलाइट में रखने वाले पौधे आप रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको करी पत्ता के प्लांट के बारे में बताऊंगी और इसको सीड से कैसे ग्रो करते हैं, कैसे लगाते हैं इसके बीज को, वो भी बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। और आपसे बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन और प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंच सके और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, पशुपतिनाथ प्लांट नर्सरी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो आप मेरा करी पत्ता प्लांट देख रहे हैं, मेरे पास कम से कम 4 करी पत्ता प्लांट है, जिसमें 2 बड़ी साइज़ के हैं और 2 पौधे एक गमले में लगे हैं और एक पौधा एक गमले में लगा है। फ्रेंड्स, ये कम से कम 4 साल पुराने पौधे हैं और गमले में किस तरीके से आपको करी पत्ता प्लांट की केयर करनी है, एक मोटी मोटी जानकारी दे देती हूँ। करी पत्ता प्लांट आप जिस भी गमले में लगाएं तो फ्रेंड्स, वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको सीड के बारे में ही बता देती हूँ। ये जो ब्लैक कलर का सीड दिख रहा है ना आपको, ये आपको हार्वेस्ट, ये फ्रूट है एक्चुअली, ये फ्रूट आपको हार्वेस्ट कर लेना है। जैसे ही ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट होने लग जाए ना इसके, ये जो फ्रूट है इनको आपको हार्वेस्ट कर लेना है। और जो रेड कलर के हैं वो हम अभी हार्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये रेड कलर के अच्छे से ग्रो नहीं होंगे, पके हुए इनके अंदर जो बीज है वो पका हुआ नहीं होगा तो ग्रो नहीं होगा। और जो ब्लैक कलर का है, मतलब समझ लीजिए कि ये अब इनके अंदर के सीड्स रेडी हो गए हैं। अभी हम अंदर से बीज नहीं निकालेंगे इसमें से, अभी हम क्या करेंगे कि इनको ऐसे ही लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, करी पत्ता का पौधा आप जब भी लगाएं तो कम से कम 12 इंच के गमले में लगाएं, वेल ड्रेन्ड सॉइल के साथ, ताकि जो जड़ें हैं वो आसानी से गमले में फैल सके। और जैसे ही पौधा लगाने के बाद 2 साल हो जाए ना, तो 2 साल के बाद आप इसकी रीपॉटिंग ज़रूर करेंगे, या फिर इसको रूट प्रून करके, गमले में से निकाल के रूट प्रून करके और वापस से गमले में लगा दीजिए। आपका करी पत्ता का प्लांट साल भर हरा भरा रहेगा। ये काम आप फरवरी में या बारिश के टाइम पे, दोनों में से किसी एक समय ही कीजिएगा। गर्मी में और सर्दियों में ये काम आपको नहीं करना है, रीपॉटिंग और ट्रांसप्लांटेशन का। यहाँ पर मैंने जो है, मेरे पास पॉट नहीं है तो मैंने ग्रो बैग लिया है, छोटा सा पॉली बैग, जो कि मेरे पास मेरी नर्सरी है इस वजह से मैंने रखे हुए थे, तो उसी में मैं इसको ग्रो कर लूँगी। अगर आप मुझसे करी पत्ता का प्लांट खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ इसमें मैं सीड लगा के आपको दिखाने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, करी पत्ता का प्लांट साल भर हरा कैसे रखते हैं वो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर आप फर्टिलाइज़र के बारे में आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र के तौर पे कुछ स्पेशल नहीं है, आप कंपोस्ट इसको दे दीजिए। सिर्फ सर्दियों में ये पौधा जो है कि डोरमेंसी में होता है, और डोरमेंसी में पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करता, तो उस समय आपको इसको ज़्यादा खाद भी नहीं देनी है और ना ही ज़्यादा आपको इसमें कोई फंगिसाइड वगैरह डालना है, कुछ भी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं करना है। एज इट इसे फुल सनलाइट में रखा रहने दीजिए। जब इसकी सारी लीव्स ड्रॉप हो जाएगी और फरवरी का महीना आएगा, तब हम इसकी रीपॉटिंग, प्रूनिंग और जो भी इसके ऊपर वर्क करना है, खाद वगैरह देनी है, सीवीड है, ह्यूमिक एसिड है या कंपोस्ट है, कुछ भी देना है तो उसी समय देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको सीड्स, पूरा फ्रूट ही मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे करी पत्ता के प्लांट ऐसे ही जो है फ्रूट के साथ ही नीचे गिर जाता है, पूरा फ्रूट ही टूट करके, और जब हम पानी डालते हैं गमले में तो उसके ऊपर ऑलरेडी पानी चढ़ता रहता है, मिट्टी चढ़ती रहती है और वो ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह पूरा फ्रूट लगा कर के भी करी पत्ता का प्लांट ग्रो कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसमें से बीज निकाल करके एक दिन सुखा के दूसरे दिन भी ग्रो कर सकते हैं। तो अभी तो मैं ऐसे ही लगा रही हूँ, मेरे पास और भी फ्रूट्स रेडी हो रहे हैं, तो बिना जो है कवर निकाले अभी आज आपको लगा के दिखाया है, और अगली बार उसमें से बीज निकाल करके लगा करके भी दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि वो फ्रूट, अगर बीज आपको दिख रहा है तो आप ऊपर से और मिट्टी डाल सकते हैं, और इसे तब तक आपको सेमी शेड एरिया में रखना है, धूप इसके ऊपर लगनी चाहिए। अगर बादल बने हुए हैं तो आप फुल सनलाइट में रहने दीजिए, यानी कि पूरे आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे। लेकिन अगर बादल नहीं है तो कम से कम 8-10 दिन की इसके ऊपर जो है शेड रहना चाहिए, उसके बाद ही आप इसे फुल सनलाइट में, जैसे ये ग्रो होने लगे तो आप फुल सनलाइट में इसे रख दीजिए। अगर गर्मियाँ अभी भी आपके यहाँ बनी हुई है तो आप फुल सनलाइट में मत रखिएगा, बादल हैं तो रख सकते हैं।
तो ये तो था करी पत्ता प्लांट को कैसे ग्रो करें और एक मोटी मोटी उसकी केयर के बारे में बता दिया। अगर आपके दिमाग में और भी कोई सवाल है या मुझसे और भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इस प्लांट के ऊपर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन और पर प्रेस करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं पशुपतिनाथ प्लांट नर्सरी। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण।